पलटूराम है पलटूराम नीतीश कुमार। यहाँ से आज तेजस्वी जी और बिहार के जनता आगाज करेंगे, तेजस्वी ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए। यहाँ से आज देख रहे हैं बिहार करवट ले रहा है, ये ऐतिहासिक। जो मोदी जी जो बोले थे पकौला तलने के लिए, उनको अच्छा सही तरीका से जो नौकरी दे दिया है, बेरोजगारी खत्म कर दिया है, सबके घर खुशहाल हो गया है। तेजस्वी पुकार रहा है बिहार का किसान, बिहार का बेरोजगार, बिहार के नौजवान, एक ही आवाज है सबके जुबान पर कि हमें तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी ने जो 17 महीना में करके दिखाया बीजेपी और नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर सके, इतनी बड़ी लकीर खींच दिए। हमारी सरकार होगी, मैं सालाना 2 करोड़ को नौकरी दूंगा और 10 साल में 2 लाख को भी नौकरी नहीं दिया, उनको 17 महीना में तेजस्वी जी पीछे छोड़ दिए। इतिहास बदलेगा, नौकरी का मतलब तेजस्वी। किस बार तेजस्वी यादव बिहार की राजगद्दी पर बैठना है और हम लोग को मिलकर सब जुट जमजुट कर बैठाना है। बिहार के अलग अलग जिलों से भीड़ लगातार गांधी मैदान में भरती जा रही है। ये देखिए, कटिहार के इलाके और खगड़िया के इलाके से जो लोग पहले जन विश्वास यात्रा में थी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये मनोहर यादव की तस्वीर हमने आपको दिखाई दी, वहाँ रैली में इतिहास था, यहाँ भी इतिहास है। एकदम तेजस्वी जी के लिए पूरा बिहार पागल है और ये बिहार अब तेजस्वी पुकार रहा है। बिहार का किसान, बिहार का बेरोजगार, बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं, सब लोग एक ही आवाज है सबके जुबान पर कि हमें तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी ने जो 17 महीना में करके दिखाया बीजेपी और नीतीश कुमार 17 साल में नहीं कर सके, इतनी बड़ी लकीर खींच दिए कि आज दूसरे पार्टी के लोग भी जो धर्म का धंधा करते थे, आपस में लड़ाते थे, वो भी आज हमारे नेता तेजस्वी जी के लाइन पर आ गए, विकास की बात करने लगे, रोजगार की बात करने लगे। ये तेजस्वी जी का देन है। क्या बेटा जी, सही बात भर रहे आप लोग। जी सही बात है, जी बहुत अच्छे हैं। जो मोदी जी जो बोले थे पकौला तलने के लिए, उनको अच्छा सही तरीका से जो नौकरी दे दिया है, बेरोजगारी खत्म कर दिया है, सबके घर खुशहाल हो गया है, और युवक को आशा है कि तेजस्वी जी आएंगे तो नौकरी जरूर देंगे, तो इसलिए क्यों नहीं खुशी रहे। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो मोदी जी बोले हमारी सरकार होगी, मैं सालाना 2 करोड़ को नौकरी दूंगा और 10 साल में 2 लाख को भी नौकरी नहीं दिया, उनको 17 महीना में तेजस्वी जी पीछे छोड़ दिए और 4.5 लाख को नौकरी दिए। इतिहास बदलेगा, नौकरी का मतलब तेजस्वी। तेजस्वी है तो नौकरी है, और तेजस्वी है तो हर चीज मुमकिन है। वो नहीं जी, 17 महीना और 17 साल, 17 महीना 17 साल दिखा दिया कि तेजस्वी जी का क्या योगदान है। पलटूराम है पलटूराम नीतीश कुमार। मैं बिहार की पावन धरती, महात्मा गांधी की यह धरती है, यहाँ से आज तेजस्वी जी और बिहार के जनता आगाज करेंगे। तेजस्वी ऐसा मुख्यमंत्री हमको चाहिए और रोजगार चाहिए। जो वादा किए थे अपने चुनावी वादा, चुनाव से पहले वादा को इन्होंने पूरा करके दिखा दिए। इसी का नाम है तेजस्वी, इसी का नाम है बिहार का मुख्यमंत्री। माननीय बिहार सरकार के मंत्री 17 वर्ष ठगने का काम किए हैं, और नीतीश कुमार जो है ठगे हैं, उसका बदला तेजस्वी जी 17 महीना में लेकर के दिखा दिए। क्या करें, यह जो करवट देख रहे हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान, बिहार की धरती, गांधी और लोहिया कर्पूरी का ये धरती है, कर्पूरी ठाकुर का। यहाँ से आज देख रहे हैं बिहार करवट ले रहा है, ये ऐतिहासिक। खगड़िया जिला ही नहीं, पूरे सूबे बिहार का जन सैलाब आज इस गांधी मैदान में। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। मनोहर जी एमपी लोकसभा के उम्मीदवार, सांसद बनेंगे मनोहर जी। मनोहर कुमार इस बार सांसद बनेंगे, ये हम तमाम जनता ने ठान लिया खगड़िया जिला से। और तेजस्वी यादव 3 मार्च की रैली ये संपूर्ण तरह से बोल रही है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार की राजगद्दी पर बैठना है और हम लोग को मिलकर सब जुट जमजुट कर बैठाना है।
लोगों का कहना है कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी और यहाँ पर जो सारी चीजें हैं वो तेजस्वी यादव ने बदल दिया है। मैं फौजी, अच्छा, फौज से मैं VRS दे के तेजस्वी जी के कर कमलों पर चलने के लिए इसलिए आए कि उनका जो योगदान बिहार के लिए जो जज्बा है वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए वही कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग जगह से लोग हैं और ये जो रैली है भीड़ लगातार बढ़ रही है। मनोहर जी की रैली हमने आपको दिखाई थी खगड़िया में, कितनी भीड़ थी, तेजस्वी प्रसाद यादव गदगद हो गए थे और इसी तरह का नजारा राजधानी पटना में। अलग अलग जिलों से आए हुए लोगों का जो यकीन है वो तेजस्वी के प्रति करे, रोजगार का नाम तेजस्वी।